तो फ्रेंड्स, आप लेंस ऑर्डर करने के लिए जो एपेक्सल का लेंस मैंने ऑर्डर करा है और एक कासे का भी लेंस मिलता है, यह मैं आपको दिखा दूंगा। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस लो है, मतलब कम है, तो आप कासे का भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप एपेक्सल 60x जूम ही ऑर्डर करिएगा। ये जो वेबसाइट का URL है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ आएंगे और जो भी मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ आप उसको फॉलो करके आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ से बाय करना चाहते हैं उसको खरीद सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले सर्च के ऑप्शन पे आ जाते हैं और सर्च के ऑप्शन पे मैं आपको दोनों ही प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो प्राइस है मिनिमम, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो यहाँ देखिए दो प्रोडक्ट आ जाते हैं, एक कासे 300 4K प्रोफेशनल मैंने इसको ऑर्डर करा था, क्योंकि ये जो 60x जूम था ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन जैसे ये अवेलेबल हो गया तो मैंने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पे अगर आपका डिस्टेंस कम है, ये भी अच्छा है, देखिए 4K रिकॉर्डिंग करता है, तो अगर आपको ये लेंस चाहिए तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। इसका प्राइस यहाँ देखिए मेंशन है। और अगर आपको एपेक्सल HDX जो आपने वीडियो देखी है जिसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने आए हैं, तो जिसमें मैंने आपको कम्प्लीट एपेक्सल रिव्यू और अनबॉक्सिंग दिखाई है, तो यहाँ पे इसका प्राइस आप ये देख सकते हैं। तो कैसे ऑर्डर करना है, एपेक्सल 60x जूम या फिर कासे, क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो आप चाहे जिसको ऑर्डर करिए, प्रोसेस सेम है। तो यहाँ एपेक्सल ऑर्डर कैसे करना है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू दिखाया था अनबॉक्सिंग और रिव्यू में, कि मेरे जो बॉक्स निकला था उसमें एक लॉन्ग ट्राइपॉड था। तो देखिए यहाँ से आपको लॉन्ग ट्राइपॉड पे क्लिक करके ऐड करना होता है। आप जो भी चीज़ें ऐड करेंगे वही आपके बॉक्स में निकलेंगी, अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपके बॉक्स में नहीं आएंगी। और यहाँ पे जो भी चीज़ आप क्लिक करेंगे तो ऊपर अमाउंट देखिए, जितनी भी क्लिक करेंगे अमाउंट उसी हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अवेलेबिलिटी जो भी होगी प्रोडक्ट की वो यहाँ पे शो हो रही है, अगर अवेलेबिलिटी है तभी आप ऑर्डर कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे आपको ये बाय करना है, क्वांटिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका एक ईमेल एड्रेस कंफर्मेशन होगा, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से थोड़ा सा ब्लर कर रखा है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, यह आपको एग्री करना होगा। उसके बाद डायरेक्ट चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस होगा जो आपको फिल करना होगा, आपका शिपिंग और डिलीवरी एड्रेस है। इसको मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फिल करके ब्लर कर दिया है। फिल करने के बाद आपको ये कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप जो पेमेंट है वो कैसे करना चाहते हैं, बाय एयर, मतलब एयर का मतलब होगा आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर COD। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप जो भी ऑर्डर करेंगे, चाहे कासे या कोई और लेंस, अगर COD के थ्रू करते हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू, तो देखिए यहाँ पे आपको ₹150 जो टोटल प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसमें ऐड हो जाएगा, वो आपको पे करना होगा, और ये रिफंडेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, तो यहाँ प्रीपेड एयर पे सेलेक्ट कर लेंगे, इससे मुझे ₹150 बच जाएंगे। उसके बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस आएगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। ऊपर आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो भी आपने सेलेक्ट करी है। उसके बाद देखिए एक ऑर्डर कमेंट टू एपेक्सल है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको जो अपना ऑर्डर रिसीव करना है किस टाइम के बीच में करना है। हाउ डिड यू फाइनेंस में आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने इस epexl.in या लेंस के बारे में जो आप बाय कर रहे हैं उसके कैसे पता चला आपको, फ्रेंड्स के पता चला, रिपीट कस्टमर हैं, फेसबुक हैं, गूगल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या अदर है। तो आपको जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप अगर लिखना चाहते हैं कोई भी कमेंट तो लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद गो टू पेमेंट का बटन ही आपको नीचे मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग होगी और आपको पेमेंट के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो उसमें से आप जो भी ऑप्शन में कंफर्टेबल हैं आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे ऑप्शन आपको मोर पेमेंट का भी मिल जाता है। अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप इसको मत करिए, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI, वॉलेट या पे लेटर से। अगर आप UPI के थ्रू ही करना चाहते हैं तो इस कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पे कर सकते हैं। UPI ID यहाँ पे एंटर करेंगे क्लिक करके। उसके बाद क्लिक करते ही आपको यहाँ पे UPI ID सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी UPI ID इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे की, फोन पे की, पेटीएम की,
अगर किसी और ऐप की इस्तेमाल कर रहे हैं तो अदर UPI ऐप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी ऐप का UPI ID इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर डाल के वेरीफाई पे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और मैं यहाँ पे पेमेंट करके आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, UPI के थ्रू पे कर रहे हैं, जैसे ही आप अपनी ऐप के थ्रू अप्रूव करेंगे, अगर डेबिट कार्ड लगा रहे हैं तो अलग स्क्रीन आएगी, लेकिन अगर UPI के थ्रू कर रहे हैं ये स्क्रीन आएगी। उसके बाद जैसे ही अप्रूवल होगा ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे अपनी ऐप से अप्रूव करने के बाद, अमाउंट पे करने के बाद, किसी भी तरह का पेज पे क्लिक या रीलोड नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है। देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो गया। सक्सेस होते ही ये इस तरह से रीडायरेक्ट होगा और आपको कहीं भी रीलोड नहीं करना पेज को, या ना कहीं पे क्लिक नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है, ऑटोमेटिकली रीलोड होकर आपके पास एपेक्सल की साइट वापस से आ जाएगी। देखिए लोड होने लग गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, जहाँ पे आपको एक थैंक नोट मिल जाता है और बताया गया है कि 10 दिन में आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपने लेंस ऑर्डर करा है, वो डिलीवर हो जाएगा। और जैसा इन्होंने कहा है 10 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन लगते हैं, 10 से 12 दिन, और आपका जो प्रोडक्ट है आप इंडिया में किसी भी सिटी से हो वहाँ डिलीवर्ड हो जाता है। यहाँ कुछ चीज़ें मैंने ब्लर कर रखी है क्योंकि यहाँ पे एड्रेस है और ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है। यहीं पे आपको एक ऑप्शन भी मिलता है प्रिंट ऑर्डर का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी रिसिप्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपके सामने भी इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, पेड अवेटिंग प्रोसेस। 2 दिन के बाद ये जो स्टेटस है चेंज हो जाता है, जब कंपनी से प्रोडक्ट को आपके डिस्पैच करा जाता है या प्रोसेस करा जाता है। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं एक नोट लिखी है कि जो भी प्री बुकिंग होगी वो हो सकता है 2 से 3 दिन ज़्यादा लगे आपके डिलीवर होने। स्क्रॉल करके आप सबसे नीचे आएंगे इसी पेज पे, तो सबसे नीचे आने पे यहाँ पे देख सकते हैं हैव क्वेश्चन या कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे आप इस नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हैं। और नीचे support@apexl.in पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पुट कर सकते हैं। आपको विद इन हाफ एन आवर या विद इन 1 आवर में रिप्लाई ज़रूर आ जाता है यहाँ से, तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं लीगल है, जिसमें टर्म्स कंडीशन, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग एंड पेमेंट इन्फो, प्राइवेसी पॉलिसी, आप चाहे तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है रिटर्न एंड शिपमेंट पेमेंट इन्फो। तो यहाँ रिटर्न पॉलिसी क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 2 दिन बाद अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे शिप्ट का स्टेटस आ जाता है। जैसे कंपनी से आपका प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आउट होता है तो यहाँ स्टेटस शिप्ड आ जाता है। तो रिटर्न पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे देखिए लोड हो रही है। तो ये देख सकते हैं ये रिटर्न पॉलिसी है। रिटर्न पॉलिसी में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप एक बार खुद से सारे रिटर्न पॉइंट्स पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि इनकी कोई ऐसी खास रिटर्न पॉलिसी नहीं है, जब तक जो भी आपको शिप करा गया है अगर वो डैमेज ना हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो, या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर ना करा गया हो, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ रिफंड में नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या आपके मोबाइल के हिसाब से फिट नहीं बैठा तो आपने रिटर्न करना चाहा, तो इस केस में कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप प्रोडक्ट को इनके एड्रेस पे कूरियर के थ्रू रिफंड कर दें। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई इसमें फॉल्ट था जो कि उनकी साइड से है तो आपको पूरा पेमेंट, पूरा रिफंड मिल जाएगा, लेकिन किसी वजह से आपको प्रोडक्ट मना करना पड़ा, रास्ते में ही था प्रोडक्ट, तब भी आपको उसके 200 जो शिपिंग चार्जेस हैं वो देने होंगे। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर करा है अगर उनकी कंपनी से शिप्ड नहीं किया गया है और उससे पहले आपने कैंसिल करा, तो आपको जो शिप के चार्जेस है 200 रुपीज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ये बात है कि आपको पूरा रिफंड चाहिए तो आप शिप होने से पहले आप कैंसिल करें ऑर्डर, लेकिन शिप्ड होने के बाद करते हैं उनकी कंपनी से अगर प्रोडक्ट आपके डिलीवरी के लिए आउट हो जाता है तो आपको 200 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। उसके बाद देखिए नीचे लास्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं कैंसिलेशन पॉलिसी, जिसमें बताया है यू कैन कैंसिल योर ऑर्डर एनी टाइम बिफोर इट शिप, इट विल रिफंड द एंटायर अमाउंट विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीजन। जो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट आपको एक ईमेल ड्रॉप करना है जो मैंने दिखाया था support@apexl.in, या फिर आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपको जो प्रोडक्ट ऑर्डर करना है नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक बार देखिए नीचे लिखा है कि शिप्ड हो जाता है तो आपको 200 रुपये पे करने होंगे, देखिए लिखा है। तो यहाँ शिपिंग एंड पेमेंट इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनके शिपिंग पार्टनर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन है, किसके थ्रू इनका प्रोडक्ट आता है, कितने दिन में आता है, जो प्रोडक्ट इनकी कंपनी से शिप करा जाता है आपके पास वो कितने दिन में होता है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, आपकी कोई भी क्वेरी हो वो आप यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर ये दिया है यहाँ और ये apexl.in पे तुरंत क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ऑर्डर शिप कर दिया जाता है कंपनी के थ्रू, तो आपको देखिए इस तरह का मेल आ जाता है जिसमें कुछ ट्रैक नंबर और ऑर्डर आईडी है, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। लेकिन आपको मेल में देखिए यहाँ पे ये लिखा है ट्रैक योर पैकेज का ऑप्शन,
आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कंपनी पे ट्रैक लाइट पे, जहाँ पे आप अपने ऑर्डर का ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ पे पहुँचा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ होता है कि शिपमेंट बुक हुआ, शिपमेंट पिक हुआ और ट्रांजिट में है, बुक हुआ और पूरा एड्रेस जहाँ से आपका जो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका पूरा एड्रेस होगा, उसके बाद कब कब कहाँ पहुँचा, आपकी सिटी में कब पहुँचा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से स्क्रॉल करके ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आपको ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे ट्रैक करना है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, क्या प्राइस है प्रोडक्ट का, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू fxl.in से बाय कर सकते हैं। सबसे लो बजट आपको यहीं पे मिलेगा, हो सकता है इनका कोई प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी मिल जाए लेकिन उसका प्राइस यहाँ की इस वेबसाइट से ज़्यादा ही होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जो भी प्रोडक्ट लें fxl.in से ही बाय करें।